हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं वीडियो में एक रिलीफ प्रोसेस दिखाना चाहता हूं, जिसमें डबल लेयर यूज़ करके कटिंग प्रोसेस में किस स्टेप बाय स्टेप इसको उठा लीजिए तो कैसा, मतलब आसानी से एक रिलीफ डिज़ाइन बन सकता है। कोई भी घर में एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और ये प्रोसेस यूज़ करके आर्टवर्क बना सकते हैं। तो चलते पहले एक लेयर बनाते क्ले का, ठीक है। एक शेप, मतलब स्क्वायर शेप बना लेते एक, हाथ से इसको पहले लेवल कर लेते। उसके बाद मेरा पास ये रोलर है, बहुत बड़ा वाला रोलर है, हैंडमेड, ठीक है। तो इससे इसको एक सरफेस देते, लेकिन ये करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका थिकनेस, मतलब पूरा जो रेक्टेंगल शेप होगा, स्क्वायर शेप होगा टाइल्स का, इसका थिकनेस एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला कोई, मतलब ये काम शुरू करना चाहते हैं तो उस टाइम एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड दो लकड़ी का कोई, मतलब तो सेम थिकनेस का टुकड़ा रख सकते हैं जिसमें थिकनेस बराबर हो जाए। मतलब ये मिट्टी का रोटी है तो मिट्टी का रोटी बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसमें चिपक ना जाए नीचे, ठीक है ना। चिपक जाए तो कोई डस्ट, मतलब मिट्टी का ही डस्ट रख सकते हैं, जैसा हम लोग रोटी बनाते टाइम मैदा रखते है ना, आटा रखते, तो ऐसा भी यूज़ कर सकते। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए मैं घुमा घुमा के इसको लेवल चारों साइड इसका थिकनेस मेंटेन करना पड़ेगा, सेम थिकनेस होना चाहिए। तो ये एक पीस मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा लेयर के लिए मैं चिपक ना जाए इसके लिए मैं, तो दूसरा लेयर के लिए और एक सेम साइज का एक स्लैब बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा इसका थिकनेस, ये देखिए थिकनेस इसका पतला रख लिया, मतलब नीचे वाला जो लेयर मैं डालूँगा उसमें मोटा थिकनेस और ऊपर जो लेयर डालूँगा उसका थिकनेस मैं पतला रख लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्यों ये अलग अलग लेयर में लिया, अलग अलग थिकनेस में लिया। इसमें देखिए कोई डस्ट है तो इसको साफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसका भी एक बार थिकनेस मैं दोनों पास पास रख के दिखाता हूँ। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एकदम 2 mm 3 mm ऐसा ही लेना है, ऐसा कोई बात नहीं। डिज़ाइन का हिसाब से आप लोग कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं दोनों पास पास रखता हूँ, ये दो अलग अलग मैं थिकनेस बनाया, नीचे एक मोटा लेयर और ऊपर एक पतला लेयर, ठीक है। तो साफ कर लिया थोड़ा, ठीक है। इसमें कोई हाव भी हो सकता है, जैसा आपको दिखाई देगा बबल्स रह जाता है क्ले में ना, जब जिस टाइम आप सोचिए टेराकोटा फायरिंग होगा, मतलब फायर होने का टाइम ये डर रहता है, क्योंकि उसमें जहाँ पे हवा रह जाता है ना, बबल्स रह जाता है उसमें, मतलब बास्ट होने का चांसेस रहता है, मतलब डैमेज होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको ऊपर ऊपर रख के गुनिया से इसको एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा उसको काट के फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी, मतलब ये 7x8 inches एक टाइल्स बना लिया। ये देखिए दोनों लेयर अलग अलग है, नीचे मोटा लेयर ऊपर पतला लेयर, दोनों लेयर ऊपर ऊपर हैं, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते ये वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको देख